हेलो एंड वेलकम गाइस वेरी वेरी वॉन्ग वेलकम एवरीवन आप सबका तहे दिल से स्वागत है यस ऑफिसर पे दोस्तों आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2024 के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ क्या है किन के नाम पे है नोबेल प्राइज़ कितने कैटेगरीज़ में दिया जाता है नोबेल प्राइज़ इस बार किन को दिया गया नोबेल प्राइज़ में मैथ्स का जिक्र है कि नहीं है साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ के जो विनर्स हैं करंट ईयर के उनके वो याद कैसे करेंगे उनके बारे में कैसे याद करेंगे उन्होंने क्या किया कैसे उसको याद करेंगे उन सब के बारे में आने वाले दस से पंद्रह मिनट में आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं हम नोबेल प्राइज़ की तो इस नोबेल प्राइज़ को ये प्राइज़ जो है वो बना है बेस्ड ऑन द विल वसीयत ऑफ एल्फ्रेड नोबल और ये ऐसे लोग को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल इस साल अगर दिया जा रहा है तो पिछले साल उन्होंने कोई एग्जेपलरी काम किया होगा एक पर्टिकुलर डोमेन में पहली बार इन अवार्ड्स को दिया गया 1901 में और ये प्राइस सेरेमनी हर साल टेंथ दिसंबर को होती है स्टॉक होम में जहां पर जो 10 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी भी होती है एल्फ्रेड नोबल की और उसी दिन इस अवार्ड को दिया जाता है सिर्फ जो नोबेल का पीस प्राइज़ है उसका सेरेमनी होता है ऑस्ट्रो नॉर्वे में उसके अलावा बाकी जितने भी अवार्ड्स हैं जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे वो सारे अवार्ड्स आपके दिसंबर में सारे अवार्ड्स आपके स्टॉक स्वीडन में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज आपकी लॉ की बात करें आपके आपके कंडीशंस की बात करें तो किसी भी पॉस्टूमस व्यक्ति को किसी भी मरणर व्यक्ति को किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो लिविंग नहीं है उसको नहीं दिया जाता और एक प्राइज एक सेक्स सब्जेक्ट के अंदर एक कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम तीन लोग को ही अवार्ड हम दे सकते हैं जनरली पीस प्राइज में कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है बाकी सब में जनरली इंडिविजुअल्स को ही हम नोबेल प्राइज जो है वो प्रोवाइड करते हैं अब यहाँ पर बात करते सबसे पहले हम एल्फ्रेड नोबल की एल्फ्रेड नोबल एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे इन्होंने केमिस्ट uh, थे इंजीनियर थे इन्वेंटर थे uh, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे uh, इनकी पैदाइश हुई स्टॉकहोम स्वीडन में ऑन अक्टूबर 21 1833 और इनकी डेथ हुई इटली में रेमो में ऑन डिसम्बर टेन एटीन इनका सबसे पॉपुलर इन्वेंशन आप सब जानते हो वो है डायनामाइट जो कि एक असल है जो कि एक आपका एक एक मिलिट्री का एक ऐसा अस्त्र है एक ऐसा बॉम्ब की तरह काम करता है जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है और इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करके इन्होंने इसे बनाया था जिसका पेटेंट इन्हें मिला एटीन में इनके नाम पर टोटल में 355 पेटेंट्स है जिसमें एक प्लास्टिंग कैप भी है और एक स्मोकलेस गन पाउडर भी है और इससे ये काफी अमीर हो गए थे प्रॉब्लम आती है इनके 10 साल मरने से पहले 1888 में इनकी मौत हुई है 1896 में इसके मरने से करीब 10 साल पहले आठ साल पहले इनके ब्रदर जो होते हैं लुडविक उनकी डेथ होती है और एक पेपर में एक मेंशन आता है द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड हालांकि वो जो पेपर है उसे गलती होती है वो ये मान लेता है कि इनकी डेथ हुई है लेकिन वो उनके भाई की मौत को इनकी मौत समझ के वो ये मैंशन करता है

कुछ कुछ कैटेगरीज में अपना जो फॉर्चून था उसको डोनेट किया 94 परसेंट के आसपास इन्होंने अपना सारा जो जो कमाई थी जो इनकी जो इनका इनके पास शोहरत थी वेल्थ था उसको डोनेट किया टू अ नोबेल फाउंडेशन और वो नोबेल फाउंडेशन जो है फिर उन कैटेगरीज में वो अवार्ड जो है वो लगातार आपका हर साल देती है उनमें जो पहली बार अवार्ड दिया गया वो 1901 में दिया गया और उसके बाद 1969 में एक और अवार्ड को ऐड किया गया जो कि इकोनॉमिक्स का था हालांकि इकोनॉमिक्स को हम ओरिजिनल नोबेल प्राइज नहीं कहते हैं वो इकोनॉमिक्स का एक प्राइज़ है जो इन द मेमोरी ऑफ एफर नोबेल दिया जाता है लेकिन उसके बाद किसी और कैटेगरी में अवार्ड नहीं दिया जाता अब अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो तीन संस्थाएं हैं तीन या चार जो ये अवार्ड्स को देती हैं नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स साइंस ये अवार्ड देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस फिजियोलॉजी मेडिसिन का अवार्ड देता है नोबेल एट द इंस्टीट्यूट लिटरेचर का अवार्ड देता है स्वीडिश अकेडमी और नोविगियन नोबेल कमेटी जो है वो पीस प्राइस का अवार्ड देती है तो इनके ऊपर जिम्मा है इन अवार्ड को अनाउंस करने का और इस पर प्राइज मनी ऑफर करने का अब आते हैं इस बार के नोबेल प्राइज पे अच्छा यहां पर इंटरेस्टिंग बात है मैथ्स का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है मैथ्स uh, के लिए बहुत सारे और प्राइजेस हैं जिसमें सबसे मुख्य है आपका द एबल प्राइज जो कि सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का प्राइज है फिर एक फील्ड्स मेडल है जो 40 ईयर्स से कम के व्यक्तियों को दिया जाता है फिर भारत के अंदर शास्त्रा रामरुजान प्राइज है अगेन वहां पर भी उम्र बत्तीस थर्टी टू से कम होनी चाहिए तो वो अवार्ड्स है मैथ्स में लेकिन मैथ्स में ये अवार्ड नहीं जाता एक कहानी है और वो कहानी ही है वो कितनी सच है मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज में जब एल्फ्रोड थे तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी उनकी प्रेमिका थी और प्रेमिका से ऑबिसी बात है बहुत प्रेम था बहुत प्यार था बहुत ही ज़्यादा लगाव था लेकिन उनकी जो गर्लफ्रेंड थी प्रेमिका थी वो उनके प्रोफेसर से भाग गई और उनका जो प्रोफेसर था वो मैथ्स पढ़ाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि मैथ्स को लेकर मरते दम तक उनका एक उससे वो खिन्न रहे उससे वो थोड़ा सा उनका हेट्रेड रहा और मैथ्स को लेकर नहीं हालांकि ये मेरे हिसाब से ऑनेस्टली बताऊँ सिर्फ मजाक की बात है ये कुछ सच नहीं होगा इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी सी बात को लेकर क्यों इशू बनाएगा लेकिन ये कहानी लोग बताते हैं कि मैथ्स को का जो है वो इस कैटेगरी में रखा नहीं गया सबसे पहले आते हैं दोस्तों फिजिक्स के ऊपर फिजिक्स का अवार्ड दिया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ये पहली बार दिया गया 1901 में और विलहम कोनराड रोंगटन उन्होंने एक्सरे डिस्कवर किया था उनको ये अवार्ड मिला और इस बार अवार्ड मिला है जॉन हॉफ को और जेफरी हिंटन को जॉन हॉफ ने हॉफफील्ड नेटवर्क बनाया है जो कि एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाता है जो काफ़ी हद तक हमारे ब्रेन को क्लोन करता है और उसकी तरह ही वर्क करता है और ए के ग्रैंडफादर, ए के फादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन को जिन्होंने ने हॉफी नेटवर्क पे अपना नया मेथड बनाया जो और डीप जाता है उस रिसर्च में उस मेथड में दोनों को ये अवार्ड मिला जो जॉन हॉफिल साहब है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के में प्रोफेसर है यूएसए में और जो जेफरी ई हिंटन साहब है वो कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर के तौर पे काम करते हैं और इनको दिया गया फॉर फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग उनके ये जनक थे शुरुआती दौर में इन टेक्नोलॉजीज़ को या इन कंसेप्ट को शुरू करना इस पर बहुत बड़ा योगदान देने का काम इन दोनों लोगों ने किया और इसीलिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का दोस्तों जो है वो दिया गया है जॉन uh, हॉफफील्ड जो है वो फेमस है फॉर क्रिएटिंग हॉफ नेटवर्क जो कि एक तरह का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है मतलब उसमें एक फंक्शन को आप बार बार कर सकते हो उस फंक्शन के लिए आपको बार बार प्रॉम नहीं देना पड़ेगा एक बार फंक्शन किया उस फंक्शन को समझेगा और फंक्शन बार बार आप रिपीट कर सकते हो और आगे चलकर जब इसमें हमने डायनामिक वर्ड यूज किया मतलब आगे चलकर पैटर्न समझ के जब एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क अपने हिसाब से एक्शन लेगा वो इसका एक नेक्स्ट लेवल था लेकिन जो बेसिक लेवल था कि अगर कोई रिपिटेटिव आपके इवेंट्स हैं उनको हम ऑटोमोट ऑटोमेट कर दें उसके ऊपर ए बना था और ए उसके बाद आया तो उसके ये जनक कहे जाते हैं और ये जो मेथड है ऑफ का ये हेबियन लर्निंग के ऊपर बेस्ड था जहां पर जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो रिपीटेड इंटरैक्शन होती है बिटवीन न्यूरोन स्ट्रेंथन देयर कनेक्शंस तो अगर कोई चीज रिपीट हो रही है उस पैटर्न को समझना और बार बार उसको बिना प्रॉम्प्ट के रिपीट करना ठीक है और ये मेथड फिर यूज किया गया कंप्यूटर्स में जहां पर अगर मान लो स्कैन करना है तो पता है स्कैन कैसे करना है कंप्यूटर को तो बार बार अपने आप स्कैन हो जाएगा ऑटोमेट हो जाएगा तो जो ऑटोमेशन आया कंप्यूटर्स में सिस्टम्स में वो इनके नेटवर्क के जरिए यहाँ पर आया दूसरे हैं जेफरी हिंटन इन्होंने हॉफिल नेटवर्क के ऊपर बनाए बोल्टमैन मशीन बोल्समेन मशीन कंसेप्ट टू थाउजेंड्स में इन्होंने ये मशीन बनाई जो कि ज्यादा डीप रिसर्च करती हैं और वो एक पैटर्न को समझती हैं क्या पैटर्न है और नए पैटर्न को उसके हिसाब से एक्शन लेती हैं तो इसमें एक कदम आगे चले गए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास डेटा एक मेनटेन्ड है कि ये डेटा है और इसका रिजल्ट ये है तो अगर कोई नया डेटा आया तो उसको कैसे लिंक करें हम पुराने डेटा से उसके ऊपर काम होगा तो जैसे कि हमारा दिमाग होता है ना कहा जाता है एक्सपीरियंस बहुत है हमें सर हमें एक्सपीरियंस बहुत नहीं होता हमें हमें एक आदत होती है जैसे कि अगर मुझसे कोई बोले कि सर आपको पता है सीआरआर के बारे में तो एक नया टर्म आया इंक्रीमेंटल सीआरआर तो मैं काफी हद तक लिंक कर पाऊंगा कि इंक्रीमेंटल सीआरआर है क्या जहां पर कि हमने कम समय के लिए ऐड ऑन रिजर्व रखा है लेकिन उसके लिए मुझे सीआरआर का पता होना चाहिए तो ये जो बोल्ट्समैन मशीन था ये जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है उनको तो ट्रैक करेगा साथ ही साथ अगर कोई नया पैटर्न आया उसको भी पहचान कर उसको लिंक करेगा विद द प्रीवियस पैटर्न ताकि उसको भी वो ऑटोमेट कर पाए जैसे कि आज आप देखते हो चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट देते हो तो आपके प्रॉम्प्ट के बेस पर और उसके उस मशीन में जो डेटा बेस फीड हुआ है उस मॉडल में उसके बेस पर वो आपको एक बहुत ही सिलेक्टिव बहुत ही नॉट सेलेक्टिव बहुत ही एक साउंड आंसर देता है तो उसका प्रिकर्सर था बोर्ड्स मशीन जहां पर पैटर्न को पुराना को समझना और नए पैटर्न को भी उससे लिंक करना या नए पैटर्न को पहचान कर उसको ऑटोमेट करना उसके लिए बोर्ड्स मशीन का इस्तेमाल दोस्तों किया गया अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो है ये ह्यूमन ब्रेन है और ये जो है या फिर इसको आप कह सकते हो न्यूरल नेटवर्क जो हमारे दिमाग में है हमारे ब्रेन में है और ये जो आपके सामने है ये है आपका, आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पहले आप यहां पर समझो ये होते हैं हमारे न्यूरोस और इनसे मिलकर बनता है हमारा ब्रेन ठीक है और न्यूरॉन्स को अगर आपस में आ, आपस में मैसेजिंग करनी है आपस में सिग्नल्स भेजते हैं तो यहां पर सिनेप्स बनता है सिनेप्स के बनने से आपस में ये मैसेजेस को करते हैं तो इनसे पूरा जो सिग्नल्स है वो सिग्नल कवर होते हैं और फिर वो एक मैसेज बनाते हैं जो फिर हमें रिस्पॉन्ड करता है हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब ये है तो पूरा जो ये नेटवर्क है उसको ही मिमिक किया हमने इस नेटवर्क में जहां पर हर एक हर एक न्यूरॉन में आठवें न्यूरॉन में हमने कोई वैल्यू पुट की हमने कोई डेटा पुट किया और जब ये डेटा इस डेटा से मीट करेगा तो वो एक मैसेज बनाएगा जो एक पैटर्न सेट करेगा कि अच्छा इस तरह से काम करना है तो वही काम होता है जो इसमें होता है कि हमारे अलग अलग पार्ट पे हम हमारे मैसेजेस सिग्नल्स सिग्नल्स आते हैं हैं और उसको लिंक करके फिर हम एक मैसेज बनाते सिग्नल सिग्नल हमारा ब्रेन करता है वैसे यहां पर भी अलग अलग सिग्नल से आपके मैसेज आते हैं जिसकी बेसिस पर जो हमारा ब्रेन है वो फिर वो जो न्यूरो नेटवर्क है फिर वो रिस्पॉन्स करता है तो ये नेटवर्क की वजह से दोनों को ये सम्मान नोबेल प्राइज का जो है वो दिया गया अब सवाल आएगा सर इसको याद कैसे करना है तो बहुत सिंपल सा है शॉर्ट uh, ट्रिक है एआई गिव हिंट्स टू हॉप न्यूरॉन सिग्नल्स बिटवीन यूएसए एंड कनाडा यहाँ पर एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हिंट्स का मतलब जॉन uh, नहीं हिंट का मतलब यहाँ पर है आपका ये रहा आपके सामने इनका नाम देखिए दिया हुआ है जेफरी हिंटन जेफरी हिंटन का नाम आ गया और न्यूरॉन सिग्नल से हम एएनएन की बात कर रहे हैं होप से मतलब कर रहे हैं हम जॉन हॉफील्ड को और यूएसए कैनेडा यूएसए से आपके आ, ज, आ, आपके हैं श्री जॉन हॉफी और जेफरी हिंटन जो है वो कैनेडा से बिलोंग करते हैं फिर आते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज पर ये ये प्राइज को दिया जाता है ऑन एन एनुअल बेसिस बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसिस पहली बार जेकबस हेनरिकस को दिया गया जो कि नीदरलैंड से थे और उन्होंने आ, उन्होंने ऑस्मेटिक प्रेशर और केमिकल डायनेमिक्स के लिए लॉ जो है उनको बनाया था और उनके बेसिस पे दिया गया इस बार के विनर्स आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन लोग हैं एक हैं डेविड बेकर डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर और डेविड बेकर को दिया गया फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना आज से काफी साल पहले बहुत बुरी मतलब बहुत ही बड़ी बात थी और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को थ्री मॉडल बनाना और बड़ी बात थी तो उन्होंने जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है जिससे हम फंक्शन करते हैं मतलब बिना प्रोटीन के वी आर वेरी सिमिलर टू लाइफलेस मतलब फिर हमारे लाइफ में मतलब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं बनेगा तो डेविड बेकर जो है उन्होंने कॉम्पिटेशनल प्रोटीन डिजाइन बनाया और डेमिस और जॉन एम जेम्पर ने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन करना स्टार्ट किया तो पहला डिजाइन बनाया इन्होंने और इन दोनों लोगों ने दोनों भाई साहब जो है गूगल के हैं गूगल डीपॉइंट के लंडन के इन्होंने उसी मॉडल के बेस पर एक ए बनाया जो ए अलग अलग तरीके के प्रोटीन मॉडल बनाएगा तो पहला प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया डेविड बेकर ने और उसी बेस पर एक ए मॉडल बनाया इन दोनों लोगों ने जो ऐसे ही कई तरह के नए नए पैटर्न प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बनाएगा आ, देखो अब यहां पर समझो ध्यान से पहले तो डेविड बेकर जानते हैं ठीक है तो डेविड बेकर ने जो यूएसए से हैं उन्होंने 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से जब एक पैटर्न बनता है सीक्वेंस बन, जिससे प्रोटीन बनता है उसका स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया स्क्रैच से और ये पहली बार था जब किसी ने एक प्रोटीन स्ट्रक्चर सी मॉडल में बनाया जिसका इस्तेमाल फिर हम उस स्ट्रक्चर को बनाकर हम उसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में वैक्सीन में बायोसेंस में कर सकते बिकॉज स्ट्रक्चर की वजह से हम समझ सकते हैं कि, कि किस प्रोटीन का हमें यूज कहां करना है फॉर वेरियस अदर पर्पज दूसरे जो हैं आपके वो दो लोग हैं डेविड हेसबिस और जॉन जंपर दोनों यूके से हैं और डेमिस जो है वो को फाउंडर एंड सीईओ है गूगल डी के जॉन जंपर गूगल डी के डायरेक्टर हैं 2020 में इन दोनों ने बनाया अल्फा फोल्ड टू जो कि एक एआई मॉडल है जो प्रिडिक्ट करेगा कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा तो पहली बार एक ए मॉडल आया जो प्रिडिक्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इन्होंने करीब 200 मिलियन ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाया जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर प्रेडिकट कर सकते हैं और इसकी वजह से अगर किसी को लेट सपोज असर नहीं हो रहा दवाइयों का जैसे कि आप आपने कोई एंटीबायोटिक खाई है और आपको असर नहीं कर रहा है तो उसकी स्टडी हो सकती है इससे बिकॉज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है किस चीज़ की कमी है किस अमाइनो एसिड की कमी है किस एंजाइम की कमी है उसको हम यहां पर बना सकते हैं और या फिर प्लास्टिक को ब्रेकडाउन करना है उसमें भी स्ट्रक्चर होगा उसको भी यहां पर कर सकते हैं तो बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एआई मॉडल को बनाया इसका नाम था अल्फा फोल्ड टू ट्रिक है इसका डेविड जम द अल्फा डैम एंड एट प्रोटीन इन गूगल ऑफिस जहां पर डेविड डेविड बेकर जम्प जॉन जम्पर अल्फा अल्फा फोल्टू डेम डेम प्रोटीन आ, कहा प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए इनको मिला और गूगल गूगल के दो लोग हैं जॉन जम्पर और डेमिस जो गूगल डीप माइंड में आपका वर्क करते हैं फिर आते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी पर या मेडिसिन पर आ, ये अवार्ड दिया गया नोबल असेंबली एट कैलिस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम स्वीडन एम एल वॉन बेरिंग उन्नीस सौ एक में पहले व्यक्ति थे जिनको मिला उन्होंने डिप्तीरिया के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई थी और सेरम थेरेपी पे काम किया था उसके लिए मिला था उनको इस बार की विनर है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी दोनों को माइक्रो डिस्कवर करने के लिए और उसका रोल होता है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उसके लिए उन्हें यह नोबेल प्राइज आपका दिया गया अब यहां पर कंफ्यूज मत होना पिछले साल अवार्ड दिया गया था मैसेंजर आर एन ए का दैट इज एम आर एन ए

सेकेंड स्टेप होता है आपका दैट इज ट्रांसलेशन स्टेप यहां पर जो एम जब एग्जिट करता है न्यूक्लियस को तो वो एक सेल सेल्फ में जाता है और वो फिर राइबोसोम में में जाता है में uh, है है ट्रांसलेशन फेज जो जो ट्रांसफर वो स्पेसिफिक एसिड होता उसको डिलीवर करेगा राइबोसोम को और उसको लिंक किया जाएगा बाय द सीक्वेंस डेक्टिक्टेटेड बाय द एम आर एन मतलब uh, जो ट्रांसफर आर एन ए है उसमें जो स्पेसिफिक एसिड है और जो डीएनए सीक्वेंस है उसको मैच किया जाएगा ताकि प्रोटीन बन सके यहां पर रोल आता है का क्या करता है कि वो रेगुलेटरी रोल कहता है वो जब काम हो गया का कि भाई उसने डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसफर कर दिया टू तो द टू तो द ट्रांसलेशन तो स्टेप टू तो द टू तो द राइबोसोम अब एमआरएनए का रोल बंद कर दे मतलब उसको जो उसका पर्पस था उसके इफेक्ट को नलिफाई करने काम करता है तो इट रेगुलेटरी रोल जहां पर फंक्शन को साइलेंस करता है एक स्पेसिफिक टेस्ट पे ताकि उसके बाद प्रोटीन आपका उससे डेवलप ना हो उससे सिंथेसिस और ना हो तो एमआरएनए का मेन काम है जो एमआरएनए आपका डीएनए सीक्वेंस ले, जा रहा है टू टू द ट्रांसलेशन फेज राइबोसोम और जिससे प्रोटीन बन रहा है उसके इफेक्ट को एक लेवल के बाद बंद कर दे तो एमआरएनए को साइलेंस करने का काम करता है आपका एमआरएनए और इसके लिए इस प्रोटीन सिंथेसिस के पूरे मॉडल के लिए इस पूरे एनालिसिस के लिए जो इस फेज में आता है उसके लिए दोस्तों ये अवार्ड इनको मिला एमरोस uh, और रफकुन जो है वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है एमरोस वर्क करते हैं प्रोग्राम इन मोलिकुल मेडिसिन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेस्टिट्यूट या एम आई बार बार प्रोनाउंस करना भूल जाता हूँ रफकुन प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स के एट हार्व मेडिकल स्कूल और वो रिसर्च करते हैं माइक्रो आरएनए पर आरएनए पर पर एम्ब्रोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्लोन किया था मिमिक किया था एक माइक्रो आरएनए को और रफकोन दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने मिमिक किया था या क्लोन किया था माइक्रो आर को तो ये दो पहले तो व्यक्ति जिन्होंने माइक्रो आरएनए को क्लोन किया था पहली बार तो ये इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है शॉर्ट पिक की बात करें तो दो, पहली बात तो दो का नोबेल प्राइज जो था फिजियोलॉजी का वो दिया गया था टू एंड ड्रू उनको दिया गया था एम आई आर एन ए बात रखिएगा नंबर वन इसका शॉर्ट ट्रिक है ऑन माइक्रो आर फॉर ए रेगुलेशन इन यूएसए गरीपन विक्टोरियस विक्टर एम्ब्रोस स्क्रिप्ट आपका रहा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और ये कहा में दोस्तों जो है वो अवार्ड आपका यहां पर दिया गया तो इन दोनों को मिला है, तो उसका ट्रिक यहां पर आप देख सकते हैं और पहली बार दिया गया रेने फ्रेंको आर्मांड को आ, जो सली प्रद्म नाम पूरा है उनका जो जर्मनी से थे 1901 में इस बार का लिटरेचर का जो अवार्ड है वो दिया गया है हान कांग को क्या नाम है इनका इनका नाम है आपका हान कांग उनको यह अवार्ड दिया गया है कान कांग जो है वो साउथ कोरियन ऑथर है और उन्होंने जो एक ऐतिहासिक ट्रॉमा है और जो लाइफ की प्रेजिलिटी है लाइफ की जो असमंजस की स्थिति है लाइफ जो जितना ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है उसके बारे में उनकी पो, पोएम्स हैं बुक्स हैं उसके लिए उनको मिला और शी इज द फर्स्ट एवर साउथ कोरियन राइटर जिनको नोबेल लिटरेचर में दिया गया है इनकी सबसे पॉपुलर बुक का नाम है द वेजिटेरियन टू 2007 सेवन में आपकी आई थी इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय डेबोरा स्मिथ और इस बुक को मिला था मैन बुक इंटरनेशनल प्राइस ये प्राइस उन बुक्स को मिलता है जो अपनी भाषा से कन्वर्ट होती है ट्रांसलेट होती है इन इंग्लिश और यूके में पब्लिश होती है दो प्राइज होते हैं आपके बुक अ प्राइस जो कि होता है एनी नॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज ये होती है एनी नॉवल जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती है उसके लिए बेस्ट बुक होती है वो अवार्ड मिला है उनको 2015 में इनकी एक और बुक है ह्यूमन एक्ट जो नाइनटीन एट्टी का जो ग्वांगजू मैस्कर था साउथ कोरिया में उसके बारे में बताती है कैसे साउथ कोरियर मिलिट्री ने आ, किल किए थे प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स और सिविलियंस को उसके लिए, उसके लिए भी काफी ज्यादा ये पॉपुलर आपकी हुई थी तो इनका शॉर्ट ट्रिक है हान रेड अ बुक ऑन साउथ को लिटरेचर ऑन वेजिटेरियनिज्म ये बहुत सिंपल ट्रिक है यहां पर हान हानकांग का नाम है साउथ कोरिया शी इज द फर्स्ट ऑफ साउथ कोरियन टू विन दिस अवार्ड और वेस्टेरियन की किताब का नाम है जो कि है आपका द वेस्टेरियन जो ट्वेंटी सेवन में आपकी पब्लिश की गई थी फिर आते हैं दोस्तों पीस पे इस बार का पीस अवार्ड दिया गया बाय स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्वीडन ने और पहली बार दिया गया था इसको 1901 में टू तो फ्रेंचमैन फेडरिक पैसी एंड एंड स्विस नेशनल वन हेनरी डूनट को वन हेनरी डूनट जो है अगर आप जानते नहीं है रेडक्रॉस मूवमेंट के वो फाउंडर थे और इस बार अवार्ड दिया गया है टू अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिरोशिमा नागासाकी सर्वाइवर्स जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो और ये हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्बिंग्स में सर्वाइवर्स थे उनके ऊपर है और कैसे वो वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन को फ्री करवाना चाहते हैं उसको लेकर उनकी जो मुहिम है उनका जो एक इनिशिएटिव है उसको लेकर अवार्ड उनको दिया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग उसी ग्रुप के मेंबर्स हैं ये ग्रुप बना आपका टेंथ ऑगस्ट 56 में और इसमें सर्वाइवर्स हैं फ्रॉम द एटॉमिक बॉम्बिंग्स इन हिरोशिमा नागासाकी जो यूएस ने कराई थी 45 में वर्ल्ड वॉर इसके बाद ही वहां के राजा ने हार मानी थी और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था सर्वाइवर्स को कहा जाता है हिरोशिमा के हिबा कुशा या फिर बॉम्ब इफेक्टेड पीपल और उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है न्यूक्लियर वेपन्स के नॉन पोलेशन में उसके रोकथाम में और इसीलिए इनको सम्मान इस बार दोस्तों दिया गया आ, दोस्तों जी तो इस बार इनको सम्मान इसलिए इनको दोस्तों जो है वो दिया गया याद क्लियर है ओके अब आते हैं इकोनॉमिक्स के प्राइस पर यह सबसे नया प्राइज है और ये प्राइस का नाम दो नाम है इसके एक तो नाम है नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज ऑफिशियल नाम है इसका द स्वेरीगि रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फर्ड नोबेल ये जो वर्ड है बेटा ये नाम है आपके ये नाम जो है वो सेंट्रल बैंक जो स्वीडन का है उसका नाम है इसको हम रिक्स बैंक भी कहते हैं इसने अपने थ्री हंड्रेड एनिवर्सरी पर यह सम्मान शुरू किया था और पहली बार अवार्ड दिया गया था टू रैगना फ्रिश एंड जान टिन टिन बर्गन इन सिक्सटी और इसको रॉयल स्वीडमी ऑफ साइंस प्रेजेंट करती है इस बार का अवार्ड दिया गया है यहां पर तीन लोगों को एक है डैरन एके मगलू साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन इनको दिया गया है इस रिसर्च के बारे में बताने के लिए कि नेशंस क्यों ऐसा होता है कि कुछ देश बाकी देश से ज्यादा प्रॉस्परस हैं ज्यादा अमीर हैं ज्यादा समृद्ध हैं उनके ऊपर उनकी स्टडी के ऊपर इनको ये अवार्ड दिया गया है इनमें अगर हम बात करें डैरन एक्मगलू साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन की तो इनको बेसिकली दिया गया कि कैसे ट्यूशन रोल प्ले करती हैं, सामाजिक संस्था कैसे रोल प्ले करती हैं एक देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में और आ, इसका ट्रिक है आपका साइमन डेयर्ड साइमन आ, साइमन डेयर्ड हाँ साइमन डेयर्ड माफ करिएगा साइमन डेयर्ड जेम्स ठीक है साइमन डेयर्ड साइमन ठीक है साइमन डेयर्ड साइमन टू रॉप द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मैगजीन तो यहां पर साइमन साइमन जॉनसन डेयर्ड से यहां पर डैरन एक्मगलू रॉप से जेम्स ए रॉबिन्सन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उस वजह से इनको मिला और उसके लिए ये सम्मान इनको जो है वो दिया गया तो मैं दोबारा साइम लिखा उससे याद कर लीजिएगा साइमन डेयर्ड साइमन साइमन ने खुद को डेयर किया कि क्या तुम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो मैगजीन है उसको चोरी कर सकते हो तो वहां पर रॉब से हुआ आपका आ, जेम्स ए रॉबिनसन डेयर से हुआ डैरन एक्मगलू साइमन से साइमन जॉनसन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से दिया गया और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए इनको सम्मान जो है इस बार दिया गया तो दोस्तों ये था डिस्कशन हमारा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू सो मच एवरीवन वन फॉर कमिंग अटेंडिंग द वीडियो बाय बाय गाइस टेक केयर एंड आपकी भी अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है प्लीज बताइएगा और अगर आप ऐसे लगातार वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा विद प्लस वन साइन ताकि हम ऐसे वीडियोस लगातार आपके लिए डेली बेसिस पर लाते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय